सांसद पप्पू यादव बिहार के सभी जिलों में खोलेंगे निशुल्क राम जानकी अस्पताल, मधेपुरा में की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में एनसी शुल्क राम जानकी अस्पताल खोलेंगे। इसमें न्यूनतम दर पर मरीजों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें फीस मात्र 11 रुपए, जांच 50 रुपए और दवा में 70% तक छूट दी जाएगी। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में शुक्रवार को पूर्णिय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का स्वागत सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सांसद बनने के बाद पहली बार मधेपुरा पहुंचे पप्पू यादव का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे शहर का भ्रमण के बाद शाम लगभग 4 बजे वे बीएनएमयू के ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान अपने संबोधन में पप्पू यादव ने कहा कि हमेशा बिहार की जनता राजनीति का शिकार रही है। राजनीतिक दुकान चलाने के लिए लोग विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य और कोसी सीमा चलन को विशेष पैकेज मिले, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। कोसी सीमा चलन के 2 दर्जन से अधिक फैक्ट्री, मक्का, मखाना और फूड प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। सांसद यादव ने कहा कि कोसी सीमा चल में बाढ़ की मुक्ति और हाई डैम का निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस इलाके में 1.5 करोड़ लोगों का पलायन रोकना होगा। इसके लिए इसी क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना होगा। पप्पू यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में निःशुल्क राम जानकी अस्पताल खोलेंगे। इसमें न्यूनतम दौर पर मरीजों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें फीस मात्र 11 रुपए, जांच 50 रुपए और दवा में 70% तक छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा, कोसी सीमा चलन के बगैर किसी भी सरकार ना बने, मैं ऐसे प्रयास करूंगा। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार, मोहन मंडल, राजकुमार यादव, प्रो बीएन विवेक समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है, आप देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्वागत।